फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि मैं राजस्थान से हूँ और हमारे यहाँ राजस्थान की स्पेशल परंपरा हम आपको दिखाएंगे। क्या होता है ना कि हमारे यहाँ नॉर्मली सब जगह सारे त्यौहार आते हैं, होली, दिवाली, रक्षाबंधन वगैरह, पर हमारे मतलब कि ये जो त्यौहार है ना, इसी से सारे त्यौहारों की शुरुआत होती है। इसका कहा जाता है कि साल का पहला त्यौहार, और इसी त्यौहार के ऊपर सारी फैमिली इधर उधर आती हैं, सब मिल जाते हैं, घर में भी एक हर्षोल्लास का माहौल होता है। आप देखना भी मतलब इतना अमेजिंग होने वाला है। सो ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं, मैं आपको पूरा त्यौहार बताता हूँ क्या बनता है, कैसे होता है और अनोखी परंपरा है। चले अभी हम चलते हैं किचन में, मम्मी से मिलाते हैं आपको। मम्मी गुड मॉर्निंग, हरियाली महोत्सव की शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तुम लोग जल्दी उठिया करो त्यौहार के दिन। तो बिल्कुल बिल्कुल, आपसे ध्यान रखेंगे हम लोग। मम्मी त्यौहार के दिन क्या क्या बना रहे हो? त्यौहार के दिन खीर बनाई, खीर निकाल रही हूँ, थोड़ी पसंद नहीं है तेरे पापा को, उनको तो उनके रोटी बना रही हूँ। और मालपुए की मेकिंग देखनी थी मेरे को, तू तो उठा ही नहीं थे, मैंने तो बना दिया पहले। ये देख, इधर मैंने मालपुए बना दिए। अच्छा, आलू की, आलू टमाटर की सब्जी बना दी मैंने। ये मालपुए बना दिए मम्मी ने, बना के रख दिए मैंने। और ये मम्मी ने आलू की सब्जी बनाई, काफी काफी स्पाइसी लग रही है। लो मम्मी, फूल चप्पू लेके आ गया। हाँ, ये मैं कब से लेके आ गया। अच्छा, ताजा ताजा फूल आ गए। हाँ, फूल भी बहुत अच्छा है। अच्छा, मैं पहले भगवान के सफाई करके और भगवान के फूल सब ये करके चढ़ा के अच्छे से, फिर मैं खाना बनाती हूँ, फिर भोग लगाएंगे। ठीक है, चलो। ये हमारे भगवान बैठे हुए हैं और मम्मी ऐसे सफाई कर रहे हैं, और अभी थोड़ी देर में बिल्कुल मम्मी फ्लावर से अच्छे भगवान को सजाएंगे और फिर भोग लगेगा। नहीं मम्मी? हाँ, भोग लगेगा। फर्स्ट त्यौहार है, साल का पहला त्यौहार आता है ये। मम्मी कितना टाइम और लगेगा? बस 10 मिनट और लगेगा। अच्छा, 10 मिनट और लगेंगे। हाँ, बस सज गए भगवान। अच्छा, विष्णु भी आ गया। अच्छा, विष्णु राम राम, राम राम भाई, राम राम। मम्मी के मंदिर सजाने के बाद मंदिर कितना अच्छा लग रहा है, आप देखिए, बिल्कुल एकदम जोरदार सजाया है मम्मी ने मंदिर। मम्मी आपने सारी चीजें तो बना दी, बस एक चीज बता दीजिए आप, आज के त्योहार का मुझे महत्व बता दीजिए। क्या महत्व है आज के त्योहार का? साल का पहला त्योहार है, हरियाली माव से त्योहार स्टार्ट होते हैं, सब त्योहार बाद में आते हैं। आज खीर और मालपुए ये बनाते हैं और घूमने जाते हैं। अच्छा, हरियाली अमावस्या, घूमने जाने का त्योहार और खीर मालपुए का त्योहार, यही है ना? हाँ, यही है। भगवान के भोग लगाते हैं और घूमते एंजॉय करते हैं। तो फिलहाल खीर का मनी हुई मम्मी, मेरे को आपने मालपुए की मेकिंग तो नहीं बता पाए, पर मम्मी बताती हूँ, खीर की बता रहे हैं। अच्छा, खीर हमारी देखिए ऐसे बन रही है। अच्छा, खीर मतलब मंद मंद आंच में बने जा रही हैं, और इधर पूड़ी की तैयारी हो चुकी है, अभी थोड़ी देर में पूड़ियाँ भी निकलने वाली हैं, और ये सारी खीर बहुत अमेजिंग है, मतलब खीर बहुत जोरदार बनी है, और मम्मी ने मतलब मम्मी के तरीकों से जो खीर बनी है वो बहुत जोरदार ही लग रही है यार एकदम। और ये देखिए आप, मतलब इसमें ड्राई फ्रूट वगैरह सारे पड़ गए हैं, और मुझे लग रहा है सुबह से बन रही है, मतलब ये धीरे धीरे मंदी मंदी आंच पे जो उबली ना, तभी जाके खीर टेस्टी लगी। तो फ्रेंड, आपने देखा मम्मी ने मतलब त्यौहार का जो महत्व तो बताया, कई जगह तो इसको अमावस्या के रूप में मनाया जाता है, सब घूमने जाते हैं, खीर मालपुए घर घर सब जगह बनते हैं, बिल्कुल। हाँ, अब ये पहला त्यौहार है बिल्कुल, और अभी त्यौहार के सारे एंजॉयमेंट अभी बाकी हैं, और चलते हैं हम लोग, वो सारा एंजॉयमेंट भी करते हैं। भैया आप भी पूड़ी बनवा रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल, मैं मम्मी की हेल्प करवा रहा हूँ त्यौहार के दिन, क्योंकि मम्मी ने मालपुए और खीर तो खुद बना देते हैं। सो मैंने देखा यार पूड़ी में कम से कम मेरा श्रेय लगा देता हूँ, सो देखना अभी मैं पूड़ी बहुत जोरदार बनाता हूँ। पूड़ी डालो आप, ये एकदम जोरदार। अब देखना मैं मतलब इसको बिल्कुल ऐसे खिलाऊंगा, इसे से दबाया जाता है, और ये देखो एकदम जोरदार ये गुब्बारा बन चुकी है, एकदम पटोरे जैसे लग रही है। चाहे लास्ट पूड़िया बन गई, और फिर मतलब चले भोग लगाने के लिए। बस भोग लगाए और खाना खाओ। ये देखो सारी पूड़िया ऐसे बन चुकी है, और ये आखिरी पूड़िया मम्मी मतलब बना रहे हैं। सो मम्मी जोरदार काम हो गया। अच्छा हो गया, सारा काम हो गया, और मैंने मदद कराई जो ठीक रहा आपके, है ना? हाँ, मैं पूड़ी बनाई, तेने निकलवा दी, जो अच्छा काम हो गया। फाइनली भोग रेडी हो चुका है, खीर पूड़ी और मालपुए एकदम तैयार है बिल्कुल। चले, चलो बेटा आ जाओ, भोग लगा देते हैं, आ जाओ। फाइनली भगवान के भोग लगने जा रहा है, मम्मी और भगवान के पास सारी चीजें लेके आ गए। कैसा लग रहा है मम्मी सारी चीजें बना के और सब कुछ करके? अच्छा लग रहा है, लेकिन संगीता अभी नैना नहीं है, जो अगर अच्छा त्यौहार के दिन नहीं है, थोड़ा अजीब लग रहा है। देखो भगवान की सजावट मम्मी ने बहुत अच्छी कर रखी थी, हमेशा मम्मी अच्छी करते हैं। मम्मी मतलब भगवान के धूप लगा रहे हैं, मम्मी ने धूप बत्ती लगाई। अबे हर हर महादेव, हर हर महादेव।
बिल्कुल। चलो बेटा भोग हो गया, खाना खाते हैं। ये भोग उसमें मिला देते हैं सब में और फिर खाना खाते हैं। चलो चलो, फाइनली खाना आ चुका है। आलू की सब्जी, खीर, मालपुए और पूड़ी। और अब हम इसका सबका एंजॉय करते हैं। ठीक है मैं जा रहा हूँ ऑफिस। ठीक है बाय। यार जाते हो अभी, खाना कैसे बना ये तो बता जा। खाना एकदम जोरदार बना, खीर पूड़ी मालपुए सारे एकदम जोरदार बने। अब बिट्टू को भी पूछो, बिट्टू कैसा लगा तुझे खाना आज का? जोरदार लगा ना। ठीक है मैं जा रहा हूँ, बाय बाय बाय। सो फाइनली त्यौहार व्यवहार बन गया और अब मैं जा रहा हूँ ऑफिस। और ऑफिस जाने के बाद मैं थोड़ी देर रुकूंगा, उसके बाद हम संगीता को लेने जाएंगे। और अभी का एक्साइटमेंट देखना है कि भाई कैसे क्या हालचाल हो रहे हैं सबके। सो ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम गाड़ी में बैठ चुके हैं और गाड़ी स्पीड से चल ही रही है। ऑफिस चलते हैं और ऑफिस चलने के बाद संगीता को लेके आएंगे, तो चले। फाइनली मैं आ चुके हूँ मेघू घर पे, ये मुझे लेने आ गए थे। और रास्ते में हमारे साथ एक और भैया और भाभी आए थे, हम शूट नहीं कर पाए थे तो अब शूट कर रहे हैं। शूट डिले हो गया हमारा। आ गए हूँ किचन में और ये यहाँ पे ये सावे की खिचड़ी बनी है क्योंकि सुबह फास्ट खोल लिया था सबने। और ये इधर ग्रीन टी मम्मी के, इन दोनों के। ये ग्रीन टी आपकी मम्मी की। त्यौहार अच्छा हो गया है, अभी भी नहीं था और संगीता नैना कोई नहीं था, अभी फिर भी त्यौहार है जो सब कुछ बनाया अच्छे से हो गया त्यौहार। और अभी पूरा बिना जो त्यौहार मनाया वो जोरदार बना। और इसकी मस्ती तो देखो, मस्ती देखो। ये नहीं रहता ना त्यौहार, अच्छा नहीं लगता है, फिर भी क्या करो, हो गया त्यौहार। और अब तो सावन महीना चल रहा है, तो रोज त्यौहार ही त्यौहार है। और अब तो दिवाली तक रोज त्यौहार आने वाले हैं। दिवाली तक रोज त्यौहार आने वाले हैं, दो सावन है अब की बात तो। सो फाइनली हमारा त्यौहार मन गया है और सारी चीजें हो गई हैं। मम्मी संगीता के बिना भी हमने त्यौहार मना लिया था आज। मतलब बिल्कुल, मतलब अच्छा लगा आपको? बिल्कुल, बहुत जोरदार लगा था मुझे। मतलब ऐसी चीजें, ऐसा होना अच्छा लगता है। तो ऐसा करते ना, हर त्योहार में मैं चली जाती हूँ, बाकी दिनों भी चली जाती हूँ। चलो कोई बात नहीं। तेरा तुम्हारे वहाँ त्योहार कैसा रहा? हमारा तो फर्स्ट क्लास। बिल्कुल हमारे भी यहाँ फर्स्ट क्लास रहा और बिल्कुल मजा आ गया। और देख ही रहता है आप सारी चीजें। सो ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हमारे नए ब्लॉगों में, तब तक के लिए बाय। जय श्री कृष्णा, जय भारत।